लगा कि हल्का सा भी शुरू हो गया है हेडेक, इमीडिएट हेड टू नेक में पेन आ जाएगा, शोल्डर मूवमेंट नहीं होगी, लगेगा इमीडिएट वॉमिट कर दो। और याद रखना कि जब भी हेडेक हुआ तो कोई खट्टी चीज ना खाएं, जब भी लगा कि सर का दर्द शुरू हो गया है तो कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जो वायु क्रिएट कर दे, जैसे मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चना, छोला, राजमा, मटर, कॉर्न, सोया, इन चीज को खाते ही इमीडिएट शूट अप हो जाएगा। तो भूखे पेट कभी भी कोई भी प्रोटीन आइटम को हाथ नहीं लगाना है, प्रोटीन वायु क्रिएट करती है आपके शरीर में, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोटीन वाली वस्तु उस वक्त ना खाए जब शूटिंग हेडेक हो, कोई खट्टी चीज उस वक्त ना खाए। अगर गलती से भी खट्टी चीज खाएंगे आप, इमीडिएट साइनस बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपका हेडेक माइग्रेन में बदल जाएगा, एंड देन डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त कि वो हेडेक माइग्रेन का अटैक है या साइनस का अटैक है, या पोल्यूशन की वजह से है या नॉइस पोल्यूशन की वजह से है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जैसे ही शुरू हुआ इमीडिएट अपने थंब की मसाज करना शुरू कर देना, पाउंडिंग, जब आपने ऊपर पाउंडिंग किया तो हेड टू नेक आपने ठीक किया, आपने जब बैक साइड, आपको पहले बताया था कि जो बीक शेप है आपका, जैसे आप मुट्ठी बंद करेंगे आपको एक बीक मिलेगी यहाँ पे, इस बीक को या तो आप पिंच करते जाना ताकि आपके शोल्डर से आपको जो वॉमिटिंग सेंसेशन जो चेस्ट से फील हो रहा है कि अब प्यूक होगा, थ्रप हो जाएगा, वो रुक जाएगा इमीडिएट, पीछे से सामने से। तो जब भी लगा कि इस तरह का अटैक आता है, हेडेक आता है, माइग्रेन का अटैक आता है, साइनस का अटैक आता है, इमीडिएट हेड टू नेक के लिए प्रेशर पॉइंट याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट टैपिंग, पॉनिंग एक्सरसाइज, इमीडिएट पॉनिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। पहले के जमाने पॉनिंग करते थे, आपके दादीमा पीसते थे, चटनी पीसते थे, मसाले पीसते थे, आप अभी भी पीसते हैं, तो पॉनिंग एक्सरसाइज से आपके साथ साथ में आपने क्या किया, टाइट बंद कर दी फिस्ट अपनी, फिस्ट जब आप टाइट बंद कर देते हो तो आपके सारे पॉइंट्स ऊपर हेड के पॉइंट्स हैं, साइनस के पॉइंट है, बेस ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी, तो ये सारा का सारा ठीक हो जाता है जब आप टाइट फिस्ट बना के पॉनिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं।